तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि SNB का जो न्यू वॉलेट है NEO वॉलेट, इसमें आप लोग किस तरीके से बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत भाइयों का ये सवाल था कि बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाए इसमें, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि ये एरर आ जाता है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन ये नया है और कोई भी एप्लीकेशन नया होता है तो अच्छे से वर्क नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे वर्क करने लगता है जैसे जैसे इसमें अपडेट आने लगेगा, जैसे जैसे इसमें सुधार होने लगेगा। तो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया है किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक कोड दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करें, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करें, और कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को 1000 पॉइंट मिल जाएगा, और इस 1000 पॉइंट का आप लोग रियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे ज़्यादा अर्निंग अभी NEO दे रहा है, वो भी फ्री में रजिस्ट्रेशन करने पे। तो सबसे पहले आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड बनाया होगा, वही पासवर्ड आप लोगों को डालना होगा इसमें, तभी ओपन होगा। चलिए मैं इसमें डाल लेता हूँ पासवर्ड। जैसे ही आप लोग इसमें डालेंगे तो ये जो है कि थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और ये ओपन हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, और जो है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफर भी चल रहा है, जैसा कि यहाँ पे रिफर एंड अर्न रिवार्ड का। अगर आप लोग जो है कि अपना कोड या जो है कि मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं, तो आप लोगों को 1000 पॉइंट मिल जाएगा तुरंत, और आप लोग इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे रियाल में कन्वर्ट करके। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग इसमें बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आप लोगों को ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ रहा है ट्रांसफ़र का, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को बता दूं, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और मैं ऐसी वीडियो लेके आता हूँ, तो लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू बेनिफिशियरी का, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी कंट्रियों का नाम आ गया है। आप जिस भी कंट्री से हैं यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। मैं इंडिया से हूँ, सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडिया आ चुका है, यहाँ पे आप लोगों को टिक करना होगा। अब जैसे ही आप लोग टिक करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आ रहा है डिलीवरी टाइप। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक बैंक अकाउंट का, एक कैश पिकअप का, वो भी मनीग्राम के जरिए। तो मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है यानी ऐड करना है, तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करेंगे फिर ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैंक टाइप यानी आपका बैंक कौन सा है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है। आप लोगों को यहाँ पे कोई सर्च का ऑप्शन नहीं दिखेगा कि आपका कौन सा बैंक है और आप किस इलाके में हैं और उस इलाके का क्या नाम है। उस बैंक का नाम उस इलाके में है तो वही आप लोगों को सेलेक्ट करना है, यानी जो भी बैंक का है और जो भी आपका इलाका है जहाँ पे आप रहते हैं वो आप लोगों को इसमें से सर्च करना होगा। ये सबसे कठिन काम है, सबसे बड़ा काम है। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ, और जो है कि यहाँ अल्फ़ाबेट से आ जाए। अभी देखिए जो ए से जितने भी बैंक है उतने आएंगे, उसके बाद बी से, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे करके आएंगे, तो आप लोगों को टाइम लगेगा सर्च करने में। तो मैं भी जो है कि सर्च कर लेता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। देख सकते हैं ऐसे पहले ए का आ रहा है, उसके बाद बी का आएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि यहीं पर सेलेक्ट करने में, बैंक सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है कि जल्दी जल्दी कर दिया तो आ गया है। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा काम यही है इसमें सर्च करना, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है भाई, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं पॉज कर देता हूँ इसको सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बैंक भी सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जो प्रॉब्लम होगा ब्रांच। अब कौन सा ब्रांच है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट से आएगा कौन सा ब्रांच है आपका। ब्रांच कहाँ पर है, UP में है या जो कि दिल्ली में, मुंबई में। यहाँ पे आप लोगों को अल्फ़ाबेट से सर्च करना होगा, यानी आप किस जगह आपका मकान पड़ता है, कौन सा एरिया है, वो सारा लिख के आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अहमदाबाद सिटी, अम्बाला, जो भी पंजाब नेशनल बैंक जहाँ के, इसमें से आप लोगों को अपना बैंक का एड्रेस
करेक्ट ढूंढना होगा, तभी आपकी बेनिफिशियरी ऐड हो पाएगी। ये आप लोगों को ध्यान देना है, नहीं तो फिर बेनिफिशियरी आप लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मिल चुका है और मैं इस पर टिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप टिक करेंगे तो फिर आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है। इस तरीके से आप लोगों को भी सर्च करना है, इसमें ही सर्च करने में टाइम लगता है, क्योंकि यह जो है अल्फ़ाबेट के थ्रू आता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम, इस तरीके से आएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ेगा बैंक, वो बैंक का नाम, आपका पूरा एड्रेस, इस तरीके से आएगा। तो इसमें टाइम लगता है सर्च करने में, तो आप लोग केयरफुली इसको सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे समथिंग रंग आ रहा है, फिर इसको ट्राई अगेन कर देते हैं। जैसे ही आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट, इंग्लिश फर्स्ट नेम, इंग्लिश सेकंड नेम और इंग्लिश टाइप थर्ड नेम, फ़ोन नंबर, बेनिफिशियरी एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, रिलेशनशिप विथ रिमिटर, इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सारा डिटेल आप लोगों को डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे कंट्री बोल रहा है, डिलीवरी टाइप बैंक, ब्रांच, करेंसी, अकाउंट नंबर, इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है और थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। काफ़ी केयरफुली आप लोगों को इसमें बेनिफिशियरी ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब आपके नंबर पे कॉल आएगा और वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोगों को रिसीव करना है। चलिए रिसीव कर लेते हैं। شكرا، لقد تم إرسال رمز التفعيل إليك. यहाँ पे OTP भी आ चुका है, OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इंटरनेशनल बेनिफिशरी इसमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।